बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पकौड़े व्लॉग में मोहम्मद बकरा को हिस्से में हाजिर है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार और लजीज, और आपकी बहुत ही ज्यादा फरमाइश पे आपकी ये रेसिपी लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जो है आलू की कटाई कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास प्याज है, आपने हसब जरूरत प्याज और आलू ले लेने हैं। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है, कोई जो है बड़ी बात नहीं है। तो माशाल्लाह से देखें। इसके बाद जो है मैंने हरी मिर्च ले लिया, तकरीबन 5 से 6 मेरे पास हरी मिर्च। इस तरह उसे चॉप करके आलू और प्याज में मिक्स कर देंगे हरी मिर्च। और इसके बाद जो है सुर्ख मिर्च और नमक मैंने हसब जरूरत ले लिया, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, कोई जो है आपको रोक नहीं है। तो माशाल्लाह से देखें, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें जो बेसन डालेंगे, बेसन डाल के आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो देखें माशाल्लाह से इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं पानी डालूंगा। पानी आपने बिल्कुल जो है एक लेवल रखना है, कम या ज़्यादा नहीं करना। तो देखें इस तरह से पानी डाल के जो हमारा जो मसाला है, ये पकौड़ों का, ये बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। तो अब जो अगला प्रोसेस है वो है घी का। घी को गर्म कर लेंगे। घी को गर्म करने के बाद देखें, आपको नज़र आ रहा होगा घी अब हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो इसमें जो है पकौड़े हम डालेंगे इस तरह से, देखें बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबा लें। और अगर आपने दरूद शरीफ का वर्द नहीं किया तो आप दरूद शरीफ का वर्द कर लें, ताकि अल्लाह पाक आपके रिज़्क में, आपके खानों में बरकत डाले। तो माशाल्लाह से देखें, अब जो है इसकी साइड को उलट देंगे। हमने ये उलट दिया तो देखें आपको नजर आ रहा होगा, वाह मेरा मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, मुँह में पानी आ जाए। तो अब हम इन्हें उतार लेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की लुक और जायके में बेमिसाल और जबरदस्त तरीके के साथ मैंने आज की रेसिपी बनाई है। बहुत सारी दुआओं के साथ मोहम्मद बकर को दें इजाजत। अल्लाह।